हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से जो पूछा जाता है उसकी बात कर रहे हैं हम। हमारे अभी तक 4 क्लास हो चुकी हैं इससे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आज हमारा ये 5वां लेक्चर है इस पे, जो कि आज है लेक्चर 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, है ना, एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और साथ में यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज है, 16 बॉडीज पर हम बात करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह है। आप इसमें से अगर एक भी मिस कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने 2 नंबर खो रहे हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में। तो शुरू करते हैं। आप अपना पेन और नोटबुक आप सामने रख लीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट अपने उसमें बात करेंगे कि यूएनओ, है ना, यूएनओ। इस तरह से आपके 2 तरीके से पूछा जा सकते हैं, या तो शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा आपको, और आपको इसका इससे आपको पूछ लिया जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क में। इसके बाद सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंट IMF, दूसरा है IMF, इंटरनेशनल। इसका फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, मॉनिटरी फंड। IMF की जो स्थापना है 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो की बात करें हम तो वॉशिंगटन DC में है, ठीक है, वॉश, सॉरी, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC में है। अब तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है WTO, है ना, इसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी, 1995 में, कहाँ, जिनेवा में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, है ना, जिनेवा। इतना याद रखना आपको, लेकिन ये बहुत ही आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। नंबर 1, शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म याद रखना है, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर और उसका हेडक्वार्टर, है ना, हेडक्वार्टर जो उसके। इसके बाद 4 नंबर है हमारा, 4 नंबर पे हम बात करेंगे यूनेस्को की, है ना, UNESCO, इसे हम यूनेस्को कहते हैं। इसकी जो यूनेस्को की फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल
एंड साइंटिफिक साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए आप देखते होंगे कि कहा जाता है कि ये यूनेस्को की साइड है, क्योंकि ये एजुकेशन में भी वर्क करती है, साइंटिफिक में भी अवार्ड देती है और उसको मान्यता देती है, और कल्चरल कल्चरल जितने भी हैं, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे न्यू हो या ओल्ड, सबको ये मान्यता यूनेस्को देती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी होते हैं। ये यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर, इसका स्थापना 1946 में कहाँ पे हुई है? इसकी पेरिस में है ना, स्थापना पेरिस में हुई है। पेरिस लिख लीजिए। फिफ्थ है हमारा फिफ्थ, हम बात करेंगे अपने इसमें फिफ्थ में ILO है ना, ILO। ILO को हम बात करें तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल 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 लेबर है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो संगठन हुआ 1919 में, इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय है जिनेवा में है ना, जिनेवा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है, सिक्स इंपॉर्टेंट है FAO है ना। FAO की हम बात करें तो फूड 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 एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना है 1945 में, 1945। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है रोम है ना। इसके बाद सेवेंथ है हमारा इंपॉर्टेंट WHO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में, 1948 कहाँ हुई थी? जिनेवा में है ना, जिनेवा में। इसके बाद हमारा है एट्थ नंबर पे, एट्थ नंबर पे आता है आई आई ए ई ए। इसका फुल फॉर्म है आई ए का इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एनर्जी एजेंसी है ना, एनर्जी एजेंसी। इसकी हेडक्वार्टर की अगर हम स्थापना की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी की 1957 में
1957 वियना है ना, 1957 वियना में इसका हेडक्वार्टर है। एट हो गए। अब हम नाइन की बात करेंगे। नाइन्थ नंबर है हमारा यहाँ पर यू पी यू है ना, यू पी यू है। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आता है वर्ल्ड, वर्ल्ड या जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड पोस्टल यूनियन है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड पोस्टल यूनियन। इसके अंतर्गत वर्ल्ड पोस्टल यूनियन आता है, यूनाइटेड नेशन पोस्टल यूनियन ठीक है, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी, सॉरी 1875 में है ना, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है उसका हेडक्वार्टर बर्न में है ना, बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। दसवां नंबर है हमारा, इसकी बात करें तो इसका है यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ जिसे कहते हैं हम, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है, अगर हम इसकी यूनिसेफ को फुल फॉर्म को समझें तो इसका मतलब होता है यूएन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, इंटर नेशनल चिल्ड्रेन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमर चिल्ड्रेंस इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी फंड, ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड है। इसकी स्थापना 1946 में न्यूयॉर्क में हुई थी। 1946 कहाँ? न्यूयॉर्क में है ना, न्यू यॉर्क में हुई थी ठीक, न्यूयॉर्क में हुई थी इसकी स्थापना। ये हमारे 10वीं, हम 11वीं की अपनी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर 11वां है हमारा जिसे हम कहते हैं यूएन, UNIDO है ना, UNIDO यूनाइटेड नेशन ठीक है। यूएन का मतलब हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल ना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1967 में ये स्थापित किया गया, एंड हेडक्वार्टर जो है 1967 हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन वियना है ना, सिचुएटेड इन वियना, वियना। 12 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में यूएनडीपी है ना, UNDP, यूएन का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप कभी भी ये सब नॉर्मली देखते होंगे, लिखिए जो कुछ आते हैं प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल
उस पर लिखे रहते हैं जो फ्री में बटने के लिए आते हैं। इसका स्थापना 1946 में की गई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके बाद 13th जो हमारा है उसे हम कहते हैं IMO। IMO, IMO को इंटरनेशनल इंटरनेशनल मेरी टाइम, है ना, मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका 1958 इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है लंदन में, है ना, क्योंकि ये मैरीटाइम का है, टाइम जोन से रिलेटेड। 14 है हमारा WMO, WMO, ठीक है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड मॉनिटरिंग, है ना, वर्ल्ड सॉरी मेट्रियो, मेट्रियोलॉजिकल, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 1947, ये वेदर पे करती है कंसंट्रेट। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, है ना, जिनेवा में। 15th है हमारा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनोवा में, है ना, सॉरी जिनोवा में इसका हेडक्वार्टर है। लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, अगर तो WTO, वर्ल्ड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मैड्रिड में, मैड्रिड में हेडक्वार्टर इसका है, ठीक है। आई होप आपको ये 16 समझ में आ गए होंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पज। इसमें से आपको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की ईयर कब स्टेब्लिश हुआ, साथ में हेडक्वार्टर, यानी कि चार मोस्ट याद करने की चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट इसका शॉर्ट हो गया, सेकंड इसका फुल फॉर्म हो गया, थर्ड हो गया इसका ईयर, और फोर्थ हो गया इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, और बाकी यहाँ पर पूरे टोटल दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भी हैं, ठीक है, और भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में
आप अगर इस चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमको सब्सक्राइब वो फॉलो कर सकते हैं।